क्वेश्चन, किसी अर्धवृत्त का परिमाप 25.7 सेंटीमीटर है, इसका व्यास सेंटीमीटर में ज्ञात करना है जब पाई की वैल्यू 3.14 दे रखी। जब पाई की वैल्यू 3.14 दे रखी होती है तब हमारे पास में वो जो फॉर्मूला है, जो हमारे पास में ट्रिक है, 7 हमारे पास में 36 और 77, ये क्या है रेडियस, ये क्या है सरकमफ्रेंस, ये क्या है इसका एरिया, तो ये वाला जो है कॉन्सेप्ट काम नहीं लेना है। जब पाई की वैल्यू कितनी दे रखी हो, 3.14 दे रखी हो, तो ये वाला कॉन्सेप्ट हम काम में नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये चीज आपके दिमाग में पहले ही देखते ही आ जानी चाहिए। अब अपने पास में क्या दे रखा, देखिए अर्धवृत्त का परिमाप दे रखा। अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, आर पाई प्लस टू होता है, बराबर कितना दे रखा है, 25.7 दे रखा है, ठीक है जी। अब देखिए हमारे पास में पाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3.14 दे रखी है, और प्लस ये कितना है, 2 है, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5.14 हो जाएगा ये। और अपने पास में देखिए ये पीछे पॉइंट के पीछे कितना भी जीरो लगा उससे कुछ फर्क पड़ता है क्या, नहीं पड़ता है। ये पॉइंट से देखिए 2 पॉइंट उठ जाएंगे, इससे हमारा कोई दिक्कत नहीं है। 514 से ये कितनी बार कट जाएगा, 5 पूरे 25, यानी 5 बार ये पूरा कट जाएगा। तो हमारे पास में आर की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 5 मिल जाएगी। आर की वैल्यू 5 है तो हमारे पास में क्या चाहिए, व्यास, यानी दोगुना, ये कितना हो जाएगा, 5 × 10, और 2 आर का मतलब क्या होता है, इसका डायमीटर यानी व्यास होता है, तो व्यास कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो हमारे पास में कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना, आपको ये इतनी स्टेप करने की कोई आवश्यकता नहीं, आप सीधा देख कर इसका आंसर देख सकते हैं। आप क्या करेंगे, सीधा आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको, ये पाई प्लस टू है तो पाई प्लस टू का मतलब ये कितना हो जाएगा, 5.14 हो जाएगा, यानी 514 हो जाएगा। 514 से ये कितनी बार कट जाएगा, 5 बार कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि पॉइंट है, इस तरफ पॉइंट है तो इस तरफ भी 2 जीरो मान लेना है, उस पॉइंट के बाद में 1 जीरो मानने से कोई दिक्कत नहीं है। 5 से कट जाएगा यानी रेडियस 5 आ जाएगी, तो 5 का डबल जो होता है उसका व्यास होता है 10, डायरेक्ट 10 बताओगे। इस तरीके से क्वेश्चन को आपको करना है, ठीक है। क्वेश्चन, एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में जिसकी त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है, पाई की वैल्यू 3.14 का उपयोग करना है, तो हमारे पास में इस तरीके से एरिया आएगा। यानी पाई की वैल्यू अपने को 22/7 नहीं रखनी, 22/7 नहीं रखनी मतलब हमारा वो वाला मेथड भी काम नहीं करेगा। कौन सा मेथड, वो वाला, त्रिज्या अगर 7 होती तो इसकी परिधि 36 होती अर्धवृत्त के लिए, और इसका क्षेत्रफल हो जाता 77, तो ये वाला मेथड हमारे यहाँ पर काम नहीं करेगा। यूं क्यों, क्योंकि यहाँ 22/7 पाई की वैल्यू नहीं है, यहाँ पाई की वैल्यू कितनी है, 3.14 है, तो इसके लिए हमारे को फॉर्मूला लगाना होगा। फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4 होता है। पाई की वैल्यू हमारे पास में देर की है 3.14, आर कितना देर का, 15, यानी 15 का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाई कितना है, सॉरी ये 4 नहीं, यहाँ पर क्या होता है, 2 होता है, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, ये 2, तो यहाँ भी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 से तो ये कैंसिल हो जाएगा, इससे अपने को कोई लेना देना नहीं, अपने को 15 देखना है। 15 का मतलब क्या आता है, 5 को जब 3 से गुणा करते हैं तो 15 आता है, इसका क्या देर का है, स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, यानी ये किसका मल्टीपल होगा, 9 का, और 9 का मल्टीपल चेक करने का मतलब सब संख्याओं को जोड़ दो जिसमें 9 का भाग जाता है, तो वो उससे पूरा पूरा 9 से डिवाइड हो जाएगा, 6 और 3 9, 9 और 5 कितना होता है, 14, 14 और 7 कितना होता है, 21, 21 और 5 कितना होता है, 21 और 5 26, यानी इससे डिवाइड नहीं होगा 9। उसके बाद में देखते हैं 3 और 5 8, 8 और 7 कितना होता है, 15, 15 और 2 17, 17 और 5 कितना होता है, 17 और 5 22, यानी यह भी डिवाइड नहीं होता। इसको देखिए 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18, यानी 18 9 से डिवाइड होता है। यहां देखेंगे 3 और 6 9, 9 और 1 10, 10 और 7 17, 17 और 5 22, से भी डिवाइड नहीं होता, तो अपना ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो क्वेश्चन को इस तरीके से करना है, देखिए क्वेश्चन, अर्धवृत्त का परिमाप 54 सेंटीमीटर है, तब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहां पर देखिए पाई की वैल्यू हमारे पास में क्वेश्चन में नहीं दे रखी है, तो पाई की वैल्यू कितनी होगी, 22/7 आएगी। 22/7 आते ही आपको दिमाग में आना चाहिए कि त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या इसकी 7 होगी, और हमारे पास में इसकी परिधि सर्कमफ्रेंस कितनी होगी, 36 होगी, और इसका क्षेत्रफल कितना होगा, एरिया कितना होगा, 77 होगा, किसका, सेमी सर्कल का, अर्ध परिमाप का। तो ये हमने आपको वीडियो में सिखाया है, जिसके दिमाग में नहीं होता अभी भी दिमाग में फिट कर दीजिए, जब पाई की वैल्यू क्या देर की हो, 22/7 देर की हो, और क्वेश्चन में जब पाई की कोई वैल्यू नहीं देर की हो, दोनों समय में ये वाला मेथड काम में
लेना है। ठीक है, तो अपने पास में क्या दे रखी है, परिमा। परिमा का मतलब क्या होता है, सरकमफ्रेंस, परिधि होता है। 36 किसके बराबर दे रखा है, 54 के बराबर दे रखा है क्वेश्चन में। तो देखिए किससे कटेगा ये, 18 से कट जाएगा, 18 दुनी 36, 18 3 54, यानी जो परिधि है वो 3/2 मल्टीपल है। ठीक है, परिधि क्या है, 3/2 मल्टीपल है। तो हमारे पास में एरिया निकालना, हमारे को एरिया क्या हो जाएगा 77 का। ये देखिए अगर आपके पास में सर्कमफ्रेंस 3/2 की मल्टीपल है तो इसके एरिया में किसका मल्टीपल हो जाएगा, इसका स्क्वायर का। तो 3/2 का स्क्वायर कितना होता है, 9/4 होता है, यानी ये किसकी मल्टीपल है, 9 की मल्टीपल होगी। जो भी आंसर आएगा 9 का मल्टीपल होगा। 9 का मल्टीपल क्या है, जितने भी अंक है सबको जोड़ दो, 9 का भाग ज्यादा है इसका मतलब वो 9 का मल्टीपल होगा। तो देखिए 9 और 1 10, 10 और 2 12, 12 और 5 17, 17 में 9 का भाग नहीं जाता, ये 2 और ये 5 7 हो जाएगा। 7 और 5 कितना होता है, 7 और 5 12 होता है, 12 में 9 का भाग जाता है, नहीं जाता है। उसके बाद में देखिए 7 और 3 10, 10 और 1 11, 11 और 2 13, 13 और 5 13 और 5 कितना होता है, 18, 18, यानी किसका भाग जा रहा है, 9 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। एक ऑप्शन और बचा, ये देखिए 4 और 4 8, 8 और 7 कितना होता है, 15, 15 और 5 20, 20 में भी 9 का भाग नहीं जाता। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। देखिए क्वेश्चन, नीचे दिए गए चित्र में अर्धवृत्त का परिमाप 162 सेंटीमीटर है और आरएस की लंबाई आपको बतानी, आरएस की मतलब ये वाली लंबाई आपको बतानी है, ये वाली लंबाई आपको बतानी क्वेश्चन में। तो ये लंबाई क्या होगी, सबसे पहले देखिए छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये आपका क्या है, एक सर्कल है। ठीक है, इसमें क्या है, एक जीवा है और ये इसका क्या है, सर्कल का सेंटर है। तो हम देखते हैं कि यहां से इस परिधि पर जो कोण बनाता है, इस परिधि पर जो कोण बनाता है, ये परिधि है, इस परिधि पर जो कोण बनाता है, मान लीजिए ये कोण अगर थीटा बनाता है, तो इसी जीवा द्वारा इसका जो केंद्र है वृत्त का केंद्र, इसके केंद्र पर कोण कितना बनेगा, यहाँ थीटा बन रहा है, यहाँ कितना बनेगा, यहाँ 2 थीटा बनेगा, क्या बनेगा, 2 थीटा। समझ में आ गया, मतलब आपके पास में एक सर्कल है, सर्कल में एक जीवा है, इस जीवा द्वारा परिधि पर कोण थीटा है, तो इसके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण कितना होगा, 2 थीटा होगा। यहां तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए यहां पर भी कुछ इस तरीके से बन रहा है, ये देखिए यहां से ये कोई जीवा है, इस वृत्त पर खींची गई जीवा है, जीवा के द्वारा इसके परिधि पर कितना कोण बन रहा है, 22 डिग्री कोण बन रहा है। तो अब इसके द्वारा केंद्र पर कोण कितना बनेगा बताइए, यदि इसकी परिधि पर 22 डिग्री कोण बन रहा है तो इसकी जीवा पर कोण, ये आपके पास में ये जो केंद्र है, केंद्र पर कोण कितना बनेगा, ये 22 है तो 22 का डबल हो जाएगा, 22 का डबल कितना हो जाएगा, 44 डिग्री हो जाएगा। उसी प्रकार से ये देखिए ये कोई जीवा हो जाएगी, जीवा के द्वारा परिधि पर अंतरित कोण कितना है, 38 डिग्री है, 38 डिग्री है। तो इसके द्वारा देखिए इस तरीके से मिला देते हैं, तो इसके द्वारा इसके परिधि पर 38 डिग्री का कोण बन रहा है, तो इसके केंद्र पर कोण कितना बनेगा, 38 का डबल कितना, 76 डिग्री। ठीक है, और ये 44 डिग्री है। अब आपके पास में आता है कि इस तरीके से जो सरल रेखा होती है इस पर टोटल कितने डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है, 76 और 44 टोटल कितना हो जाता है, 120 हो जाता है। तो कितना और बच जाएगा यहाँ पर, ये बच जाएगा सर 60 डिग्री, कितना बच जाएगा, 60 डिग्री। अब आप यहाँ ये जो है आपके पास में अर्धवृत्त का केंद्र है, अब केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, त्रिज्या, और ये भी क्या होगी, त्रिज्या होगी। दोनों त्रिज्या बराबर है, यानी दोनों भुजा बराबर है, तो दोनों भुजाओं के सामने वाले कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दोनों भुजाएं बराबर है तो दोनों भुजाओं के सामने वाले कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये कोण 60 हो गया, कितना बचा है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, जिसमें से 60 डिग्री तो इसके पास चला गया, कितना बचा, 120 डिग्री बचा। और दोनों ही भुजा बराबर तो दोनों कोण बराबर होंगे, तो कितने कितने कोण हो जाएंगे, 60 डिग्री का कोण हो जाएगा। तो ये भी कोण कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री, ये भी कोण कितना होगा, 60 डिग्री। तीनों ही कोण बराबर है, तीनों कोण बराबर है का मतलब कौन सा त्रिभुज हो गया, ये समबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों ही भुजा कैसी हो, बराबर। तो ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, तो ये भी क्या होगी, त्रिज्या होगी, क्योंकि तीनों भुजा बराबर होती है। तो आर आर आर, यानी अपने को कुल मिला के इस क्वेश्चन में क्या करना है, अपने को सिर्फ त्रिज्या ज्ञात करना, क्योंकि अपने को ये वाली भुजा चाहिए, ये भुजा क्या है, त्रिज्या है। तो अपने को क्या ज्ञात करना, इस अर्धवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी। अर्धवृत्त की त्रिज्या कैसे निकलेगी, तो देखिए
आपको क्या करना है, आपके पास में हमारे पास में जो परिधि होती है वो कितनी होती है 36, जो हमारे पास में कितनी देर की परिधि परिमाप स्वयं होता है, तो ये कितना हो जाएगा 162 हो जाएगा, किससे कटेगा 18 से कटेगा, 18 दूनी 36 और 18 162, यानी परिधि कितने गुना है 9/2 गुना है, परिधि अगर 9/2 गुना है तो हमारे पास में त्रिज्या भी कितनी हो जाएगी 9/2 गुना हो जाएगी, 9 को 7 से गुना करेंगे 63, 63 में 2 का भाग देंगे, 63 का आधा कितना होता है 31.5 होता है, तो ये अपना उत्तर क्या आ जाएगा 31.5 यानी 31.5, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो क्वेश्चन को इस तरीके से करना है, देखिए क्वेश्चन, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक अर्धवृत्त में बन सकने वाले सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो हमने कॉन्सेप्ट सीखा है इस तरीके से, एक सेमी सर्कल है, अर्धवृत्त है, इसके अंदर क्या बनाया जाता है, एक त्रिभुज बनाया जाता है इस तरीके से, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है जो हमने सीखा है, क्या होता है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना, इसका एरिया ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, इसकी जो त्रिज्या होती है आर, इसका क्या कर देना स्क्वायर, आपके पास में जो सेमी सर्कल है सेमी सर्कल का क्या कर देना है, आपके पास में जो रेडियस देर की है उसका स्क्वायर कर देना है, इसकी रेडियस कितनी देर की है 6 का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को करना है, देखिए क्वेश्चन, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त के भीतर बनाए जा सकने वाले विशालकाय वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी इस तरीके से आपके पास में एक अर्धवृत्त है, सेमी सर्कल है, इसके अंदर एक स्क्वायर बनाया जाता है, एक वर्ग बनाया जाता है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा ये आपको बताना है, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकलता है, तो हमने मेथड सीख रखा है, इसका कॉन्सेप्ट सीख रखा है, क्या होता है 4/5 जो त्रिज्या है उसका स्क्वायर कर दो अपने पास में, जो इसके अंदर ये आपका स्क्वायर बन रहा है इसका एरिया आ जाएगा आपके पास में 4/5 तो यही है, अब क्या हो जाएगा त्रिज्या, त्रिज्या कितनी देर की है 5 का क्या करना है स्क्वायर करना, कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 5 से कट जाएगा 5 पूरी 25, 5 को 4 से गुणा करेंगे 5 20, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन आपको करना है, देखिए क्वेश्चन, एक तार एक आयत के आकार का है जिसकी भुजाओं का अनुपात 4:7:4 है, यह प्रारंभ में 31.5 सेंटीमीटर के बराबर त्रिज्या वाले वृत्त के आकार में था, तो आयत की छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी, छोटी भुजा की लंबाई यानी ये 4 का मल्टीपल होगा, तो ये देखिए यहाँ 4 जो है 4 के मल्टीपल है, हमारे पास में अपने को क्या ज्ञात करना है, पहले इस तरीके से क्या था सर्कल था जिससे हमने क्या कर दिया एक ऐसे रेक्टेंगल बना दिया जिनकी साइड का रेशियो 7:4 है, तो अपने को क्या बताना, सबसे पहले इसकी जो परिधि है वही इसका क्या होगा इसका परिमाप होगा, तो इसकी परिधि कैसे निकलेगी 31.5 क्या है इसकी त्रिज्या है, तो हमारे पास में 7 का मल्टीपल होना चाहिए, तो हम इसको किससे काट देते हैं 7 से काट देते हैं, 7 × 28 = 35 यानी 4.5 आ गई इसकी क्या है k की वैल्यू आ गई, क्योंकि 7 का मल्टीपल होता है, 7 की मल्टीपल क्या है 4.5, ये k की वैल्यू आ गई, तो अपने को इसकी क्या ज्ञात करनी परिधि, परिधि क्या होती है 44 की मल्टीपल, ये कितनी हो जाएगी 4.5, ठीक है ये होगी हमारे पास में इसकी परिधि जो किसके बराबर है इसके परिमाप के बराबर, तो इसके परिमाप का रेशियो क्या होगा 7 और 4 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका परिमाप आ जाएगा 11 × 22 यानी ये इसके क्या हो गया रेशियो में कैसे 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई 7 और 4 11 11 × 22 तो ये क्या है इसका परिमाप इसके बराबर इसके रेशियो के बराबर है, अब ये कट जाएगा 22 से 22 × 44 और 4.5 को 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा देखिए 4 × 2 = 8 और ये आधा आधा और आधा 1 हो जाएगा 9 हो जाएगा यानी हमारे पास में जो इसका परिमाप है परिमाप किसका मल्टीपल है 9 का मल्टीपल है तो इसकी साइड भी 9 की मल्टीपल होगी अपने को कौन सी भुजा चाहिए छोटी भुजा चाहिए तो छोटी भुजा को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे 9 × 36 कौन सा ऑप्शन आ रहा है ऑप्शन नंबर बी आ रहा है तो अपना उत्तर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन बी 36 सेंटीमीटर।